नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं हूं दीपक गोड़ा और अभी हम जो खड़े हैं ढंडेरा की तरफ यहां पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं ये जो रोड है ये ढंडेरा की तरफ जा रही है। इधर आर्मी सेंटर भी है और रुड़की लाल कुर्ती की तरफ। यहां पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। जो राहगीर आ रहे जा रहे उन्हें रोका जा रहा है कि भाई मास्क जिसने नहीं पहना, जिसने कोविड के नियमों का पालन नहीं करा, उसका चालान सीधा काटा जा रहा है। अगर कोई देखा जाए तो चुनावी जो चल रहा है माहौल वहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि भाई वहाँ कोई ध्यान नहीं जा रहा किसी का। तो आखिर पुलिस को पूछते हैं कि भाई वहाँ क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा, कि वहाँ क्या कोरोना नहीं फैल रहा या वहाँ पे नहीं जा रही पुलिस। जी दरोगा जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमारा चेकिंग पॉइंट ये है, हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे जो भी बिना मास्क के या बिना कोविड के उसका उल्लंघन करेगा उसका चालान किया जाएगा, जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अच्छा, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो नियम गाइडलाइंस का जो प्रावधान आया है चुनाव आयोग का, तो वहाँ पर किस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है? जो पुलिस जो नियमों के संबंध में उसके संबंध में कार्रवाई कर रही है। अच्छा, हम कई जगह देख रहे हैं कि वहाँ भीड़ है, जहाँ पे मतलब कि 10 प्रत्याशियों को मतलब कि दी गई है छूट, अब 20 की कर दी गई, तो मतलब गनर को छोड़कर 21 आदमी मान के चलिए, तो वहाँ से तो 50 आदमी ऊपर है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है आप लोग? उनके लिए चुनाव आयोग से अलग अलग टीमें बनी है, FST की SST की टीमें बनी है जो अपनी कार्रवाई कर रही हैं। अच्छा, सिर्फ चलान जो आज यहाँ पे हो रहे हैं हेलमेट के और मास्क के? हाँ, गाड़ियों के कागज भी चेक किए जा रहे हैं। अच्छा, चलिए, कह रहे हैं कि जो काम कर रही है वो अलग टीम है, हमारा काम तो सिर्फ जो आ रहे हैं जा रहे हैं उन्हें रोक कर देखा जा रहा है कि भाई चेकिंग कर रहे हैं कि मास्क पहना या नहीं पहना।